देसी कुक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक प्रेशर कुकर में। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 5 अंडे, 1 कप मैदा, 200 ग्राम्स आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर यानी हमने शुगर को ग्राइंड कर लिया है पाउडर फॉर्म में। ऑयल 50 ग्राम्स, 1 कप दूध, कोको पाउडर 50 ग्राम्स, 1 चम्मच कुकिंग सोडा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच वनीला एसेंस, 1 पहले हम एक वाइट और एक योक को अलग कर लेंगे। अब हम ले लेंगे वाइट एग, उसको हम विक्स कर लेंगे। थोड़ा सा विक्स करने के बाद हम डाल देंगे 2 चम्मच आइसिंग शुगर। उसके बाद हम 7 से 8 मिनट इसे विक्स कर लेंगे। चलिए ये रेडी है। अब हम इसको और ब्लेंड करेंगे। हम यहाँ पे लेंगे ग्राइंडर। अगर आप इस तरीके का ग्राइंडर यूज कर रहे हैं तो सेफ्टी का ध्यान रखें और इसको कवर कर कर ही चलाएं। हम यहाँ पे इसीलिए कवर नहीं कर रहे हैं ताकि इंग्रेडिएंट्स सारे वीडियो में अच्छे से दिखें। ग्राइंडर को अच्छे से प्लेस कर देंगे, फिर हम इसमें डाल देंगे एग वाइट। अगर आप चाहें तो इस तरीके का ग्राइंडर भी यूज कर सकते हैं या हैंड ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी आइसिंग शुगर डालेंगे, फिर इसको ब्लेंड कर लेंगे। फिर से थोड़ी सी आइसिंग शुगर डालेंगे, फिर ब्लेंड कर लेंगे। इसी तरह से हमको 200 ग्राम आइसिंग शुगर इसमें डाल देनी है। फिर अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा और इसको भी 4 से 5 मिनट अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे एग योक। एक चम्मच वनीला एसेंस। अब हम इसको 5 मिनट तक अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। फिर हम डाल देंगे 50 ग्राम तेल, फिर मिक्सी को चला लेंगे। फिर अब हम डाल देंगे थोड़ी सी आइसिंग शुगर, 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। फिर अब हम डालेंगे 1 कप दूध और इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इस तरह की कंसिस्टेंसी आने के बाद हम इसमें डाल देंगे कोको पाउडर। मैंने यहाँ पे 50 ग्राम कोको पाउडर डाला है। पहले इसको स्पैचुला से थोड़ा सा मिला लेंगे, क्योंकि हम इसे ओपन कर कर ग्राइंड कर रहे हैं तो ये उछले नहीं, इसलिए हम थोड़ा स्पैचुला से पहले से मिला लेंगे। फिर इसको ब्लेंड कर लेंगे। कोको पाउडर बैटर में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे बेक कर लेंगे। अब हम लेंगे प्रेशर कुकर, इसको थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ब्रश की हेल्प से। थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इस पे डाल देंगे बटर पेपर। बटर पेपर डाल देंगे। बटर पेपर रखने के बाद हम इस पे और थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि बटर पेपर अच्छे से चिपक जाए और केक जले नहीं। अब हम इसमें डाल देंगे बैटर। ये सारा बैटर कुकर में डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे। चलिए ये रेडी है। अब हम इसको बेक कर लेंगे। सबसे पहले हम हाई फ्लेम पे आयरन पैन गरम कर लेंगे 10 मिनट। आयरन पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम धीमी आंच कर देंगे और कुकर को प्लेस कर देंगे और इसकी सीटी निकाल लेंगे। अब हम इसे धीमी आंच पे 45 मिनट तक बेक कर लेंगे।
उसके बाद चेक कर लेंगे। हम फ्लेम बंद कर देंगे। अब इसको ओपन करके देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं केक कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। केक बनकर तैयार है। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के बाद सर्व कर सकते हैं। ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट बना है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो देसी कुक चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके हमारे हर न्यू वीडियो की। रेसिपी ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। जल्द ही मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं।